हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त फिर आज ही रहे बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो दोस्तों, सलमान खान का 27 दिसंबर को बर्थडे था और मैंने इसमें भी एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सलमान खान जो है इस टाइम अरबों के मालिक है, आज हम उनकी संपत्ति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सलमान खान को 30 साल हो गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में और उन्होंने इन तीस सालों में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। तो दोस्तों, सलमान खान की जो कमाई है वो बताई गई है 2000 करोड़ से 3000 करोड़ नेट वर्थ। तो दोस्तों, सलमान खान जो हैं 16, 17 और 18 में फोर्ब्स लिस्ट में भी शामिल थे, 100 जो 100 जने अमीरों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल था 2016 में, 2017 में और 2018 में। 3 साल लगातार वो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल रहे। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि कलर्स का जो कलर्स चैनल में बिग बॉस आता है, उनके भी वो एक एपिसोड के 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, सलमान खान इस टाइम अरबों के मालिक हैं, लेकिन वह अभी भी एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं और उनका एक आलीशान फार्म हाउस भी है। तो दोस्तों, सलमान खान एक चैरिटेबल भी चला रहे हैं बीइंग ह्यूमन के नाम से। उनकी ज्यादा जो कमाई होती है उसमें से कई हिस्सा उनका इस चैरिटेबल में जाता है। तो दोस्तों, सलमान खान जो है फिल्म निर्माता भी बन चुके हैं, उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, जैसे अभी वो एक कागज फिल्म बना रहे हैं जिसमें वह त्रिपाठी उसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, और उन्होंने अभी एक अंतिम फिल्म भी प्रोड्यूस की है जिसका टीजर भी रिलीज हो चुका है, उसमें वह एक कैमियो रोल भी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, सलमान खान टीवी से भी जुड़ चुके हैं, कपिल शर्मा शो वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, सलमान खान जो है कई चीजों में अब धीरे धीरे अपने हाथ पसार रहे हैं और सलमान खान इंडस्ट्री के जो टॉप अमीर हम कह सकते हैं उसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, यही मेरे पे एक लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बाय।